हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं जो एक नई वीडियो, तो गाइज आज की वीडियो में मैं इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। रिव्यू मानो, ओनरशिप एक्सपीरियंस मानो, तो वो सब चीज़ें कवर होंगी। मैंने लगभग इसे 3300-3400 किलोमीटर चला लिया है। तो इतने किलोमीटर चलाने के बाद आज की अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, क्या कमी है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती थी, तो वो सब पता लग जाती है। तो वो सब चीज़ें कवर होंगे, क्योंकि अगर आप भी इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाए, गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो गाइज आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज चलिए करते हैं। सबसे पहले आगे से बात देखो, आगे आपको नए DRS मिल जाते हैं, जो कि एस शेप्ड है, हुंडई का एच आ जाता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। अगर ये आगे भी और कंटिन्यू होते जाए हर चीज में, हर गाड़ी में, तो ये काफी अच्छे लगेंगे। बाकी यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, टॉप एंड तक आपको प्रोजेक्टर ही मिलता है। मतलब इससे नीचे जाओगे SX वेरिएंट तक तो आपको नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस मिलता है, इसमें प्रोजेक्टर मिलता है और इसमें आते हेलोजन बल्ब है। टॉप एंड तक भी हेलोजन ही आते हैं, तो मैंने इसमें अपग्रेड कराया हुआ LED वाले में। तो अगर आपको देखना उसका थ्रो वगैरह तो मैं इस वीडियो में भी दिखा दूंगा, और मैंने एक एसेसरीज के ऊपर वीडियो बनाई है, वहां जाके आप देख सकते हो। बाकी नीचे यहाँ पे आपको कवरिंग मिल जाती है थोड़ी सी, जिससे इंजन प्रोटेक्शन मिल जाए और कुछ अलग सा लुक देखने को आपको मिलेगा। थोड़ा सा ना एक तरह से ग्रैंड टाइटन को इसको उठा दिया गया है, तो वैसा आपको लुक देखने को मिलेगा। ये जो बोनट है ना, ये काफ़ी स्ट्रेट है, तो जब अगर आप अंदर से गाड़ी बैठ के चला रहे हो ना, तो ये बोनट आपको क्लियरली विजिबल होता है। साइड में आते तो साइड में आपको देखो 15 इंच के नॉर्मल, मतलब जो स्टील व्हील्स हैं उन्हीं, मतलब स्टील व्हील्स ऐसे दिए गए जो आपको लगे कि अलॉय हैं। और ये टायर साइज है जो कि सेम आपको ग्रैंड टाइटन में भी देखने को मिलता है, बट ये गाड़ी थोड़ी सी ना लंबी लगती है साइड से जो आप देखोगे कंपैरेटिवली, तो उसके बेसिस पे ना ये टायर मुझे छोटे लगते हैं पर्सनली। और साइड की बात करो तो साइड से ये मतलब ग्रैंड टाइटन या आगे से पीछे से कहीं से भी ग्रैंड टाइटन से रिजेंबल होती नहीं मिलेगी, उससे बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको साइड मिरर्स में आपको यहाँ इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, और ये टॉप एंड में भी नहीं मिलता। ह्यूंडई जनरली खाली एक ही साइड देती है, ड्राइवर साइड, वहीं आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये काफ़ी बड़ी दी गई है, ये देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा बड़ी दे दी है, जिस वजह से ना ये स्पेस कम हो गया। अगर ये थोड़ी सी छोटी कर दी जाती और ये ना यहाँ तक ऐसे कंटिन्यू होती तो ये पूरा कंटिन्यूएशन लुक आता, ये मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगता है इसमें। बाकी यहाँ पे भी जो स्पेस हम कहते हैं कि कम लगता है, ये एक्चुअल में जब आप 3 लोग पीछे बैठ जाते हो और फुल लोड है गाड़ी, तो यहाँ थोड़ी दब जाती है, बट अंदर काफ़ी स्पेस है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी यही है, यही जो इसका टायर साइज है ना, अगर ये 16 इंच दे दिया जाता तो अच्छा लगता, बल्कि इसमें ना अलॉय व्हील्स जो आते हैं उसके, इससे काफ़ी बेटर लगते। तो चाहो तो एसेसरीज में अपने अलॉय व्हील्स लगवा सकते हो। मुझे ना, मैं प्रीफर जो करूंगा, मुझे अलॉय व्हील्स इसमें काफी बेटर लगते हैं। और इसमें टायर भी जो आते हैं ना, जेके टायर आते हैं, जो कि मुझे इतने खास लग नहीं रहे गाड़ी चलाते टाइम। अब आते हैं गाड़ी में पीछे की तरफ, देखो पीछे आपको LED लाइट्स मिल जाती है, एच इसमें भी आपको जलता हुआ मिलेगा। यहाँ पे नंबर प्लेट, यहाँ पे आपको कैमरे की पोजीशन मिल जाएगी जो थोड़ी गंदी हो रही है, और यहाँ पे आपको रियर वाइपर वगैरह मिल जाता है टॉप एंड में। और ये कुछ बूट स्पेस है, ये गाड़ी के शैम्पू वैम्पू पड़े हैं, तो ये बूट स्पेस ना काफी अच्छा है। ग्रैंड टाइटन से थोड़ा बड़ा ही बूट स्पेस मिलता है, 391 लीटर्स का। 391 लीटर्स पता है ये लोग बोल रहे हैं, बट मुझे 391 लगता नहीं है, क्योंकि 391 बहुत बड़ा बूट हो जाता है। मेरी इको स्पोर्ट में 350 है, तो मुझे लगभग ना उसी साइज का ही लगता है। तो थोड़ा सा पता नहीं मतलब किस बेसिस पे थोड़ा सा डीप हो सकता है, शायद इस वजह से 391 है, बट ये ऐसा कुछ आपको स्पेस मिल जाता है, मतलब साइज के हिसाब से ना काफी सही है ये। बाकी अब आगे आते हैं, अंदर चलता हूँ, क्या कुछ मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब आ गए हम गाड़ी के अंदर। गाड़ी में आपको पूरा ही ये डिजिटल मिलता है, बिल्कुल कोई भी एनालॉग वगैरह कुछ नहीं है। यही आपको किया कैरेंस और वरना वगैरह में देखने को मिल जाता है, यही इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर सेम आता है। इसमें क्या है, एक करंट ट्रिप जो आपकी करंट अभी जैसे मैंने चलाई तो क्या करंट ट्रिप में चल रही है वो दिखता रहेगा। किलोमीटर्स आप देख सकते हो इतने किलोमीटर से चल चुकी है। और दूसरी ट्रिप ये है कि जब आप रिफ्यूल कराते तब से क्या है, तो देखो 100 किलोमीटर 9.5 आई है। बाकी मैंने फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट किया हुआ है, ये प्रॉपर सिटी में खड़ी हुई वीडियो शूट वगैरह करते तो इस वजह से ड्रॉप हो जाती है। और बाकी जब से ये मैंने गाड़ी ली है तब से देखो 374 किलोमीटर में 12 का ही एवरेज आया है इसमें, मतलब। और मेनली ये गाड़ी सिटी में ही चलती है। बाकी ये जो वेरियंट है ये है SX AMT, तो इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप अपने गियर शिफ्ट्स कर सकते हो, यहाँ पे आपको अपने वाइपर कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको अपने इंडिकेटर के कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी आप देखो साइड में आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आपको पावर विंडो मिल जाती है। ये ना बैकलिट नहीं है इसमें, मुझे नहीं पता टॉप एंड में शायद मेरे ख्याल से बैकलिट आते होंगे, बट यहाँ पे कोई लाइट नहीं चलती, रात में मुझे थोड़े ढूंढने पड़ते हैं। यहाँ पे लॉक एंड लॉक मिल जाता है, विंडो एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। और बाकी यहाँ पे आप देख रहे हो ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, ये दबाओगे ट्रैक्शन स्टेबिलिटी कंट्रोल लिमिटेड, और यहाँ से ये फिर ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे जब आप टॉप एंड में जाते हो ना, एक जो बटन खाली मिलता है, यहाँ पे रियर व्यूर का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी टच स्क्रीन है, टॉप एंड वाली जो टच स्क्रीन है इससे काफ़ी बेटर है, जो कनेक्टेड कार फीचर के साथ आती है उसकी ब्राइटनेस भी इसमें इससे अच्छी है। इवन उसका जो कैमरा लगा है वो भी, उसकी क्वालिटी काफ़ी बेटर है उसमें। आपको मतलब जब आप लेफ्ट राइट से चलाते हो ना गाड़ी, तो आपको वो एडजस्टेबल वाले मिलते हैं, मतलब गाइडलाइंस एडजस्ट हो जाती है, वो सब मिलती है। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, ये AMT वाला आपको गेयर बॉक्स मिल जाता है। बाकी आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो काफ़ी डिसेंट साइज का है।
ये आर्मरेस्ट यहाँ मिसिंग था जो कि मैंने बाहर से लगवाया है। बाहर से इसकी देखो फिटिंग भी सही है, ऐसा नहीं कि कहीं हिल रहा है। एसेसरीज वाली वीडियो में मैंने इसका प्राइसिंग वगैरह सब कुछ बताया, तो वो जाके आप बाकी देख सकते हो। बाकी सीटिंग कंफर्ट काफी अच्छा, ऊपर नीचे आगे पीछे सारे 6 वे 6 वे एडजस्टेबल है। रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो और आगे पीछे कर सकते हो। ये 6 चीज़ें आपको एडजस्टेबल मिल जाती है और बाकी आपकी रीच में सब कुछ काफी रीच है। बट अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के चलाते हो, ये थोड़ी सी स्क्रीन मुझे दूर लग रही है थोड़ी सी, या तो ये मेरी तरफ टिल्टेड होती है वैसे होती तो ये ज्यादा थोड़ी बेटर पोजीशन हो जाती है ये। बट वो है कि मैं चीजें पकड़ रहा हूँ। बाकी यहाँ पे ना एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ पे जो आपके एसी के नॉब है ना, ये आप पूरे बंद ऑन ऑफ कर सकते हो, जिससे कि अगर बंद करा तो यहाँ से फिर हवा आनी बंद हो जाती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। बाकी टॉप एंड वेरियंट में यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, तो अपना फोन रखोगे वायरलेस चार्ज सपोर्ट करता है तो ये चार्ज हो जाएगा। बाकी ये जो सीट है मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्टेड है। पीछे क्या कुछ स्पेस मिलता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी आ गए हैं गाड़ी की हम पीछे वाली सीट पे। गाड़ी थोड़ी आपको गंदी भी दिख रही होगी, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। इवन आज भी देखोगे तो रोड के लिए बहुत बारिश हो रही है, तो ये आप देखो रियर स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है। इवन जो आपको रिक्लाइन एंगल है वो बहुत अच्छा मिलता है, हेडरूम बहुत अच्छा मिलता है। तो मतलब अगर पीछे रियर सीट में आप कंफर्टेबली बैठना चाहते हो, कोई भी कमी नहीं, खाली एक चीज़ को छोड़ के कि इसमें आपको जो है आर्मरेस्ट यहाँ देखने को नहीं मिलता है, वो चीज़ नहीं है। ये पन्नियाँ भी बस इस वजह से लगी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा, सीट गीली वीली ना हो इसलिए रख रखी है। यहाँ पे 2.5 लोग आराम से बैठ जाएंगे, अगर 3 लोग पतले बैठ रहे तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बाकी आपको कम्फर्ट के लिए पीछे रियर एसी वेंट्स भी मिलते हैं जिनसे कूलिंग काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है, और इसे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो क्योंकि ये एक तरह से अगर बीच में कोई बैठा ना तो वो घुटने पर हवा आती है, तो उस चीज़ के लिए आप इसे फिर बंद भी कर सकते हो। बाकी आप ये आर्मरेस्ट देख सकते हो, तो आर्मरेस्ट ऐसा नहीं है कि रियर एसी वेंट को कवर कर रहा हो, ऐसा कुछ स्पेस मिलता है। बाकी सनरूफ आपको मिल जाती है, ये इसी वेरियंट से शुरू होती है एसएक्स से, एसएक्स को कनेक्ट तक जाती है, इसके नीचे वाले वेरियंट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब चलता हूँ मैं आगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव चलाने की बात करते हैं इस गाड़ी की। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको दिखा देता हूँ जो मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है। मतलब देखो इस गाड़ी की ना कॉस्टिंग फीस इफेक्टिव रखी गई है, मतलब आपको 10 लाख के अंदर सारी फीचर लोडेड गाड़ी मिल जाएगी जो कि आपको जनरली अभी मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। देखो एक तो ये है कि यहाँ पे आपको बूट जब खुलता है तो वो दिख जाता है, ये इसका पॉजिटिव चीज़ है। अगर बूट खुला है तो जनरली क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है हम गाड़ी चला रहे होते हैं हमें पता नहीं होता बूट खुला नहीं खुला है, तो यहाँ पे आपको वार्निंग देखने को मिल जाती है। देखो ये चीज़ है ना, मुझे यहाँ पे आप देख रहे हो ये फिटिंग देखो, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, ये कम होता जा रहा है और ये ऐसी है। यहाँ पे ये भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, ये मतलब लेवल होना चाहिए था मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। अब बाहर चलते हैं, बाहर एक चीज़ दिखाता हूँ आपको जो मुझे लगती है। बाहर की मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये जो फेंडर है ना, ये आपका हाथ फेंडर तक अंदर चला जाएगा। और पता है जब आप पानी में गाड़ी चलाते हो ना तो पता नहीं यहाँ से या कहीं से ना आवाज़ आती है इसमें, कहीं ना कहीं पानी टच होता है इसमें, तो वो ना बहुत प्रोमिनेंट है आवाज़। बाकी ये सब देखो, ये पूरा फेंडर ना खुला है और यहाँ पे अब ये देखो पूरा एकदम, मतलब ये ना चूहो वो के लिए भी बहुत इजी हो जाता है, मतलब गाड़ी में ना एक्सेस करना तो काफ़ी ओपन है। वैसे तो ये स्पेस काफ़ी कंट्रोल रखा गया है जिससे कि अंदर स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाए, बट वो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी कॉस्ट कटिंग है। बाकी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके बताता हूँ। इस गाड़ी में ना मतलब मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, आवाज़ सुनो आप, आपको ना गाड़ी के अंदर आवाज़ ही नहीं आएगी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। मतलब गाड़ी स्टार्ट है आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। अगर आप किसी को भी बैठा लोगे ना और वो कह दे कि भाई क्या गाड़ी स्टार्ट है, मतलब कोई भी मेरे साथ बैठा है ना और जैसे मैं सीधे चल देता हूँ तो लोग कहते हैं अरे गाड़ी स्टार्ट कब की तूने, तो मतलब ये चीज़ इसमें काफ़ी सही है। अब बाकी गाड़ी को चलाते हैं। अब हम ना स्टार्ट से एक एक चीज़ की बात करते जाएंगे। जैसे मैं आप गाड़ी चला रहा हूँ है ना, तो आपको इनिशियल लैग बिल्कुल भी नहीं लगता एएमटी होने के बाद भी, मतलब प्रॉपरली स्मूथली गियर शिफ्ट हो रहे। देखो जैसे अभी गियर शिफ्ट हुआ, आप आरपीएम पे ध्यान देख सकते हो कब गियर शिफ्ट हो रहा है, तो उससे आपको पता लग जाएगा। मतलब अगर आप लो स्पीड पे चला रहे हो अपना धीरे 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 धीरे, अगर आप ऐसे क्रूज कर रहे हो सिटी में, बाकी एवरेज भी आप ध्यान देते रहना जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ आपको दिखता जाएगा। आराम आराम से चला रहे हो, कोई भी हरी में नहीं है, तो आपको गियर शिफ्ट बिल्कुल भी फील नहीं होंगे। वो काफ़ी अच्छे क्विक है, मतलब आपको बहुत हल्का सा माइन्यूट सा फील होगा कि हो रहा है, बट अगर गाड़ी में कोई बैठा है तो वो बिल्कुल ये नहीं बता सकता कि गाड़ी में आपके गियर चेंज हो रहे हैं या मतलब ये एएमटी गियर बॉक्स है, ये बिल्कुल नहीं पता लग पाएगा। काफ़ी अच्छा ट्यूनिंग है, काफ़ी स्मूथ है। इवन जो इसमें पावर डिलीवरी है वो आपके मतलब ये देखो 48 की स्पीड पर ये 5th गियर ले लेती है और उसके बाद ये गेट गोइंग होती है, तो लो एंड पच में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कहीं आपको लैग लगेगा, कोई भी इशू है, एकदम मस्त गाड़ी चलती है, उठती है। इवन जो इसका मुझे फेवरेट पार्ट लगता है ना इसके इंजन का पावर वाइज, वो है इसकी मिड रेंज। मैं ये 3rd गियर पे आया और ये देखो अब ये भागती चली जाती है, मतलब आप इसे गियर शिफ्ट मत करो। टॉप एंड में जाने के बाद ये थोड़ा सा वोकल हो जाता है, जैसे अभी आपको 3,500-4,000 रुपये आ रही होगी, बट ये 4,500-5,000 के बाद काफ़ी थोड़ी प्रोमिनेंट आवाज़ हो जाती है। तो मिड रेंज तो बहुत अच्छा, मतलब अगर आप हाईवे पे चला रहे हो और 2,500-3,000 रुपये आपकी गाड़ी क्रूज कर रही है ना, जैसे 90-100 के अराउंड, और उसके बाद आप एक्सलेटर दबाओगे, आपको बिल्कुल भी पावर का लैग नहीं मिलेगा। मतलब पावर टू वेट रेशियो काफ़ी सही लग रहा है मुझे, बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं लग रही।
मतलब इंजन परफॉर्मेंस वाइज आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी दब रही है, मैंने 5 लोगों के साथ बैठा के चलाई है। जब आप मिड रेंज में रखते हो तो इसमें बिल्कुल भी फील नहीं होता। लो एंड पे कभी कभी आपको लग सकता है, अगर 5 लोग बैठे हो सिटी में चला रहे हो तो आप जनरली एक गियर डाउन रख के चलाओ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब बढ़िया तरीके से गाड़ी चलेगी। वीडियो में ना लगभग 3,500 किलोमीटर इस वे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखो इस गाड़ी को अब हाईवे पे भी चला लिया, सिटी में भी चला लिया, तो मुझे ना मतलब काफी चीजें समझ आ गई है। जैसे अब मैं बताऊं, अगर आप मान लो हाईवे पे चला रहे हो और 5 लोग बैठे हैं और एक थोड़ा ना बम्पी रोड आता है, तो पीछे से गाड़ी ना ऐसे ऐसे हो जाती है, मतलब वो प्रोमिनेंट है जो हम कह रहे हैं ना पीछे सस्पेंशन वाला, जो लोग इशू कह रहे हैं, इशू कुछ भी नहीं है कि कहीं टच हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो वो नहीं है, बट थोड़े से पीछे से ना थोड़े सॉफ्टर साइड पे सस्पेंशन, तो उसकी वजह से क्या होता है ना वो थोड़ा सा झूला खाती है पीछे वाली साइड से, तो वो चीज है। और इवन जैसे ये आप कर्व पे चला रहे हो ना, तो उतना आपको ना कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा कि यार बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लग रहा हो, बहुत ज्यादा अच्छे से चल रही हो। मतलब अगर आप हाई स्पीड पे थोड़ा सा कर्व कर रहे हो तो थोड़ा सा मतलब आप देख के करना। मैंने एक बार क्या किया था, यही सब चेस्ट करने के लिए 65-70 की स्पीड में एक थोड़ा सा कर लेने की कोशिश की थी, तो मुझे ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता और ऐसा लग रहा था पीछे वाला पार्ट ना कहीं अलग साइड में जा रहा है और आगे वाला तो मुड़ रहा है, बट पीछे वाला ना साइड को खिसकता जा रहा है, तो वैसी फील आ रही थी। क्योंकि ये लाइट है थोड़ी गाड़ी, तो उस वजह से वो आपको फील होगा। देखो थोड़ी सी आपको लंबी सी लगेगी i10 के प्लेटफॉर्म पे, ये थोड़ा सा वेट बड़ा है, टायर साइज भी छोटे, तो उस वजह से ना इतना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और इवन जो ये स्टेयरिंग व्हील है ना, इतना कोई कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है ये, बिल्कुल कुछ भी इसमें फील फीडबैक ऐसा कुछ एज सच कुछ नहीं है। ये प्रॉपरली उस वे में कैलिब्रेट करा गया कि मान लो आप अगर गाड़ी सिटी में चला रहे हो तो ये मतलब आपको एकदम लाइट लगेगा। आप एक उंगली से देख रहे हो, ये मैं एक उंगली से ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, मतलब इतना लाइट है। बट जब आप हाई स्पीड पर जाते हो तो उसमें वेट भी अच्छा खासा जाता है, बट वो जो कॉन्फिडेंस वाला होता है ना कि मजा आ जाए गाड़ी चलाने में, या मतलब आपको लगे कि मैं हाँ भाई 70-80 पे मैं कट मार रहा हूँ गाड़ी में, तो वैसा वाला कॉन्फिडेंस आपको नहीं लगेगा। आपकी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल करेगा, बट वो जो मतलब होता ना कि मुझे गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है, जैसे फोर्ड की हैंडलिंग है, वोक्सवैगन वाली हैंडलिंग है, वैसा कुछ नहीं मिलेगा। पंच की स्टीयरिंग आपको थोड़ी इससे बेटर मिलेगी। इसके सस्पेंशन तो ऐसे हैं कि मतलब सिटी में जैसे गड्ढों पे जाती है मुझे फील नहीं होते, मुझे मतलब ये मिक्स्ड ऑफ लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं है और बिल्कुल हार्ड भी नहीं है। आपका मतलब काम बढ़िया चलेगा और हाईवे पे भी ये स्टेबल रहता है, बस वही है कि हाई स्पीड में जैसे ये आ जाए ना तो वहां थोड़ी झूल जाती है, वो इसी वजह से कि थोड़े सॉफ्टर साइड पे। मैं ना जैसे AMT चला रहा हूं तो AMT के शिफ्ट्स दिखा देता हूं। मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा हम रोकते हैं गाड़ी को। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको कैसे पता लगाना है कि गियर शिफ्ट्स हो रहे हैं, यहां पे आपका ये जो है ना RPM मीटर वो जब चेंज हो रहा हो तो समझ जाना। यहां मैं थोड़ा खींच के चलाऊंगा इसे, ये देखो होल्ड करके रखा इसने 5000 RPM तक, तो अब आप देखो ये आपको पता लग रहा होगा मेरा हाथ हिल रहा है, तो आपको हल्का फुल्का लैग फील हो गए। ये देखो यहाँ पे हल्का सा लैग आ गया ये, तो अगर आप बहुत तेज चला रहे हो तो वो AMT वाला जो लैग है वो फील होगा, बट बाकी जो कंपनीज की गाड़ी आ रही है उनसे थोड़ा आपको कम ही लगेगा। मतलब ट्यूनिंग अच्छी है, बट वो ये आप समझो कि टॉर्क कन्वर्टर DCT CVT वैसा कुछ फील आ जाए, वैसा नहीं है। ये AMT है, AMT की तरह ही गियर शिफ्ट करेगा, और गियर शिफ्ट्स अगर आप क्विक एक्सेलरेट कर रहे हो तो आपको फील होंगे ही होंगे। बट इसमें एक चीज अच्छी है कि आपको पेडल शिफ्टर्स आते हैं, तो कभी आपको लगे कि आपको हाँ सेल्फ कंट्रोल करना, जैसे अभी ये थर्ड पे आ गई ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से फोर्थ पे भी कर देता हूँ, अब मुझे लगता है पावर चाहिए तो मैं ये दबाता हूँ और ये थर्ड गियर पे आ जाती, तो मतलब एक कंट्रोल थोड़ा बेटर हो जाता है कि आपको बार बार यहाँ पे जाके आगे पीछे नहीं करना, आप स्टीयरिंग पकड़ के रखो उस हिसाब से चलाओ। और ये गियर होल्ड करके रखती है, सबसे अच्छी बात है कि ये मैनुअल की तरह ही आपके गियर होल्ड करके रखती है, ऐसे नहीं शिफ्ट कर देगी। जैसे अब ये देखो फर्स्ट गियर है, अब मैं चेंज नहीं करूंगा तो ये शिफ्ट नहीं कर रही है, देखो 4,500 RPM तक चली गई और ये गाड़ी खींच ही रही थी, तो वो चीज है। तो ये मैनुअल मोड में बिल्कुल मैनुअल मोड की तरह चलती है, अब ये सेकंड से फोर्थ पे आ गई जब मैंने इसे ऑटोमेटिक मोड पे कर दिया। अब बात करते हैं इसके टायर साइज की। देखो टायर साइज का हर कोई कह रहा है कि टायर साइज, मुझे एक्चुअल में टायर साइज छोटे लग रहे हैं। गाड़ी जब मैं हाईवे पे चला रहा हूं मुझे ऐसा लगता कि अगर 16 इंच होते और इवन जो JK टायर इसमें लगे ना, मतलब ऐसे अगर थोड़ा सा मोड हो ना टायर खाली आवाज कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। जैसे देखो अभी ये यूं मोड रहा हूं ना मैं, तो ये मतलब पूरा हल्का फुल्का बॉडी रोल भी फील होगा और उतना ना मजा नहीं आ रहा मुझे, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा इन टायर के साथ, वो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। जैसे मैंने अभी ना मैं पंचकुला की साइड गया था, मोरनी हिल्स तक गया था, तो वहां पे मैं पहाड़ों में कोशिश कर रहा था, तो जब मैं मोड़ रहा था ना तो टायर पे से स्क्रीचिंग नॉइज आ रही थी और गाड़ी ऐसा लग रहा था कि स्लिप हो जा रही है, तो फिर मैंने धीरे ही चलानी शुरू कर दी वहां पे। एक दो बार जब मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने फिर उसके बाद खींची नहीं। तो टायर इसके जो टॉप एंड में आ रहे जो अलॉय के साथ आ रहे हैं वो C8 के आ रहे हैं और इसमें JK के हैं। C8 के ही शायद इसमें होते तो थोड़े बेटर हो जाते, और बाकी मैं भी ये सोच रहा हूं कि मैं इसमें अलॉय व्हील्स डलवा लूंगा, अलॉय व्हील्स के बाद थोड़ी सी बेटर हो ही जाएगी गाड़ी मुझे जो लगता है। बात हो गई हमने पावर कैसी है गाड़ी में, गाड़ी चलाने में कैसे है, मतलब चलाने में कोई भी कमी नहीं है, पावर वावर सब सही है, स्टीयरिंग की बात कर ली मैंने, सारी बात कर ली। अब बात होती है आपने गाड़ी 100 तक तो खींच दी,
अब ब्रेक्स कैसे हैं इस गाड़ी के वो कौन बताएगा, तो वो भी मैं बताता हूँ। इसके ब्रेक्स इन्होंने, मुझे लगता है जो Hyundai में पहले दिक्कत आती थी ना, कि जैसे मेरे पास पहले i10 थी तो उसमें मुझे इशू लगता था कि यार इसमें ना ब्रेक्स, जैसे पैनिक ब्रेकिंग कर रहा हूँ तो एकदम ऐसा लगता था वुडन फील वाले हो गए, वो सब हो गए, वो इशू Hyundai ने रिजॉल्व कर दिया है। मतलब इसके ब्रेक्स इतने सही लगते हैं मुझे, इतने कॉन्फिडेंस वाले लगते हैं, ब्रेक बाइट इतनी अच्छी है, मतलब मजा आ गया। मैं जैसे अभी इको स्पोर्ट भी चला रहा हूँ ना साथ में, मुझे मतलब इससे उसमें जाने में ऐसा लगता है कि शायद उसके ब्रेक थोड़े वीक हो गए हैं। मतलब आप ये देखो, यहाँ मैं ब्रेक दबाऊंगा, पीछे कोई नहीं है, ये देखो, वो भाई क्या गजब ब्रेकिंग, क्या गजब। मतलब अगर आप इमरजेंसी ब्रेक लगा रहे हो ना तो इसका ब्रेक असिस्ट इतना गजब काम कर रहा है, इतना गजब काम कर रहा है। और अभी भी देखो ABS किक इन नहीं हुआ था, नहीं तो जनरली क्या होता है, अगर थोड़ा सेंसिटिव होता ना तो ABS अभी तक किक इन हो जाता, इसका किक इन नहीं हुआ। बाकी फ्यूल इकोनॉमी देखो, लगभग 5 किलोमीटर हो गए गाड़ी चलाते हुए, 13.3 की ये दिखा रहा है, और आपको ये पता है खींच के भी दिखा रहा हूं मैं, ब्रेक ले रहा हूं, ऐसे ले रहा हूं, तो उस हिसाब से ये फ्यूल इकोनॉमी है। सिटी में मैं चला रहा हूं, ट्रैफिक कुछ है नहीं तो उसको भी आप कंसीडर कर लेना। अब इसके ना म्यूजिक प्लेयर और फिट एंड फिनिश की बात कर लेते हैं। फिट एंड फिनिश यार Hyundai की काफी सही रहती है, मतलब ये आप देखोगे ना प्लास्टिक क्वालिटी, मतलब कंपटीशन से ना बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। आप जब गाड़ी में बैठोगे आपको गाड़ी प्रीमियम लगती है, और इसकी जो विजिबिलिटी है ना, विजिबिलिटी गाड़ी में इतनी गजब है बाय गॉड। मतलब मैं इसके बाद इसको, जैसे अभी मैंने इतने दिन से चला रहा हूं, मैं एक बार ना इसमें ऐसे फिर बलेनो में बैठा था तो उसमें ना मुझे विजिबिलिटी काफी कम लग रही थी, इसमें जो विजिबिलिटी ना वो काफी अच्छी आती है। मतलब आपको क्लियर व्यू है उधर का, इधर का, हर जगह का। अब ये बात करते हैं म्यूजिक प्लेयर की, देखो म्यूजिक प्लेयर में मुझे ऐसा लगता है कि जो दिन के टाइम है ना यार, इसमें इसकी ब्राइटनेस बहुत कम है। बहुत लोग मेरे से कह रहे हैं आप ये पन्नी हटा लो, मैंने पन्नी हटा के भी दोबारा लगाई है, सेम चीज़ है। मतलब इवन ना जब मैं रिवर्स करता हूँ रियर कैमरे में भी ना, मतलब मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे ना इतना क्लियर तरीके से विजिबल नहीं होता जब मैं इसे चलाता हूँ। मगर मैंने टॉप एंड वाला देखा है, उसका कैमरा और उसकी ब्राइटनेस बहुत बहुत बेटर है इससे। मतलब अगर आप सोच रहे हो तो आप टॉप एंड वाला भी देख सकते हो, उसमें कैमरा क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। अब अच्छा, एक स्पीकर की चीज़ मैंने जो नोटिस की, ये रिव्यू ना मैं पहले शूट कर चुका था, बट मैंने ये दोबारा इसलिए किया क्योंकि मैंने उसके बाद एक हाईवे ड्राइव की तो मुझे कुछ पॉइंट्स निकल के आए जो मैंने मॉडिफाई किए। इसके स्पीकर जब नए नए थे ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि मुझे ये स्पीकर अपग्रेड कराने पड़ेंगे, और मैं बिल्कुल था कि अभी 4-5 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी, मैं स्पीकर अपग्रेड करा लूंगा। अब ये पता नहीं कैसे हुआ है कि स्पीकर चलते चलते ना इसकी साउंड इम्प्रूव होने लगी है। मतलब वो कहते हैं ना कि स्पीकर खुल रहे हैं, तो इसके एक्चुअल में स्पीकर खुल रहे हैं। मतलब आप ही समझो कि इसके स्पीकर इतने खराब लगते थे, इतने खराब लगते थे कि मैं परेशान था, मुझे रास्ते में गाने सुनने में मजा ही नहीं आ रहा था। बट ये जैसे इवेंचुअली मैं यूज कर रहा हूं ना, उसकी साउंड इम्प्रूव होती जा रही है, या पता नहीं, मतलब होता है ना कि एक ही साउंड सुनते जा रहे हो तो वो उस वजह से आपको बेटर लगने लगी। पर मैंने ना ये अपने, मतलब जैसे फैमिली मेंबर्स भी यूज कर रहे गाड़ी, तो मैंने उनसे ही पूछा, तो उनका भी यही है कि इसकी अब थोड़ा बेस और थोड़ी वोकल्स थोड़े से बेटर होने लगे हैं पहले से, तो ये धीरे धीरे ना इम्प्रूव हो रहा है। तो मोस्ट वेली अगर आपको भी लग रहा है ना, तो आप एक बार 3-4 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला लो, यूज कर लो, उसके बाद एक बार आप देखना कि इसकी साउंड आपको कैसे लग रही है, खराब लग रही है तो आप अपग्रेड कर सकते हो। मगर मुझे अभी बेटर लगने लगी है, और मतलब मोस्ट ऑफ द यूजर को जरूरत नहीं लगेगी आपको, अगर सिटी टू सिटी ड्राइव में चलानी तो कोई भी आपको इशू लगेगा नहीं। तो ये आपकी म्यूजिक प्लेयर वगैरह सारी चीज हो गई। अब मैं इसके ना पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात कर लेता हूँ। देखो पॉजिटिव ये है कि ना, अगर आप सिटी के लिए इस गाड़ी को प्लान कर रहे हो, और इसका जो इंजन है 1200 cc 4 सिलेंडर इंजन, काफ़ी रिफाइंड है, आपको गाड़ी के अंदर आवाज़ नहीं आएगी, बहुत ही बढ़िया चलता है, साइलेंट है, ट्राई टेस्टेड है, रिलायबिलिटी अच्छी, सब कुछ है। स्टीयरिंग व्हील सिटी के हिसाब से इतना गजब कैलिब्रेटेड है कि अगर आप सिटी में चला रहे हो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप, मतलब आपके हाथ दर्द हो गए, वो हो गए। AMT काफ़ी अच्छा इसका ट्यून किया गया है, इवन जो अगर मैंने मैनुअल वाली भी चलाई है तो क्लच काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आता है, आपको बिल्कुल भी हाथ पैर में दर्द नहीं होगा। इवेंचुअली Hyundai के क्या होता है कि 40-50 हज़ार किलोमीटर के बाद थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, बट मुझे लगता है वो इशू पहले से काफ़ी बेटर हो गया, क्योंकि मेरे पास i20 भी थी, वो मैंने 43,000 चली थी, और उसका जो क्लच था ना तब भी काफ़ी सॉफ्ट था, तो वो इशू मुझे लगता है अब रिजॉल्व हो गया, आना चाहिए। ब्रेक का इशू था, ब्रेक रिजॉल्व हो गया, ब्रेक्स मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं इस गाड़ी की। तो ये सब इसके पॉजिटिव्स में आ गए। नेगेटिव है, मुझे इसकी फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी कम लगती है अभी तो, जैसे मैं बिना ट्रैफिक वाले, बट अगर ट्रैफिक में चलाओगे ना तो ये 8-10 के बीच में देगी, और हाईवे पे चला रहे हो तो 18-19 के बीच में देगी। बट यहीं अगर आप शायद मारुति गाड़ी चलाते, या जैसे टाटा का 3 सिलेंडर है, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा बेटर फ्यूल इकोनॉमी आपको दे देगा, 4 सिलेंडर थोड़ा कंज्यूम ज्यादा करेगा। तो उस केस में आपको मारुति, मैं जिस हिसाब से गाड़ी चलाता हूँ, अगर हाईवे पे भी चलाया, स्पीड लिमिट में रखे ना, तो वो 20+ देती है, बट ये 17-19 के बीच में ये एवरेज देगी, तो आपको फ्यूल इकोनॉमी के मामले में थोड़ा सा ये डाउन साइड लगेगा। फिर नेगेटिव आता है कि इसका थोड़ा सा ना लाइट वेट है, तो जब आप हाई स्पीड पे चलाते हो तो वो सब इसका नेगेटिव में आ जाता है। इसके जो टायर साइज है वो इसके नेगेटिव में आ जाता है। AC की कूलिंग इसकी बहुत अच्छी है, मतलब
आप अगर बहुत गर्म है गाड़ी और आप इसके फुल पे एसी कर दोगे ना, ये बहुत क्विकली ठंडा कर देता है और कैलिब्रेशन काफी अच्छी है। बट इसमें जैसे एक चीज मुझे जो लग रही है ना वो ये है कि ना ये 24 पे भी ही उतनी ठंडी हवा फेंक रहा है और 25 पे भी उतनी और 16 पे भी उतनी, तो उसमें मुझे फर्क नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है और आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ फर्क आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बट मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं लगा। यही कुछ चीजें थी जो मुझे शेयर करनी थी एक्स्ट्रा के बारे में। देखो अगर आप सिटी ड्राइव के लिए ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई गाड़ी है। अगर आपको फीचर लोडेड एक बजट में गाड़ी चाहिए तो ये गाड़ी आप बिल्कुल जा सकते हो। मतलब मुझे मतलब ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपने हिसाब से प्लीज इसको टेस्ट कीजिएगा, टेस्ट ड्राइव वगैरह लेना। मतलब सिटी में ये इतनी ईजी है, इसे मनूवर करना इतना इजी है, इधर से उधर ले जाना ना, कि आपको मतलब पता नहीं लगता। सिटी में जैसे मैं ट्रैफिक एरिया से भी ले आता हूँ ना, और एमटी भी है, तो मुझे बिल्कुल फील नहीं होती थकावट वगैरह, कुछ भी फील नहीं होती है। मतलब मुझे मजा ही आता है उस केस में कि यार मैं ऐसे ऐसे करके ले जाता हूँ, क्योंकि एक तो स्टीयरिंग लाइट और फिर छोटी सी गाड़ी है, कहीं से भी ले जाओ। बस वही नेगेटिव है कि अगर आप हाईवे पे ऐसे चला रहे हो ना तो हो सकता है आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस ना आए जो आप एक गाड़ी से अपनी उम्मीद कर रहे हो। तो उस केस में आप और कॉम्पिटिशन में गाड़ियां हैं, एक बार वो भी आप चला के देख सकते हो, तो जो बेस्ट आपको लगे तो उस केस में आप कंसिडर कर सकते हो। वैसे नॉर्मल यूजेज के लिए आपकी अगर हाईवे सिटी दोनों मिक्स है, या सिटी में ज़्यादा हाईवे में, तो उस केस में आप बिल्कुल इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो, और आप एक बार टेस्ट ड्राइव वगैरह ला के देखो तो आपको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी बात करूँ कुछ इश्यूज़ की, इश्यूज़ वही थे जो टायर वायर के मैंने आपको बताया, एसी का जो मैंने बताया और फ्यूल इकोनॉमी का। अगर वो आपका कोई पॉइंट नहीं है, देखो 11.5 किलोमीटर में 15 का आया है जिस हिसाब से, अभी पूरी गाड़ी मैंने आपके सामने चलाई है तो आपको समझ आ रहा होगा, तो वो है। बाकी मुझे इसमें ना एक ही इशू, मुझे जो अभी तक मैंने अपनी सर्विस वाली वीडियो में भी बताया था कि इसमें लेफ्ट साइड से एक आवाज आ रही है, वो आवाज अभी भी है। ये बात मेरी ऑलरेडी ह्यूंडई में हो चुकी है, उन्हें मैं बता चुका हूँ, तो उन्होंने कहा है कि आपके पास जब भी टाइम हो एक दिन के लिए आप गाड़ी लेके आना, हम पूरी गाड़ी चेक करेंगे और वो बता देंगे। और इसमें एक थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू है कि मतलब मैं जब इसे स्टेयरिंग सीधा रखता ना तो ये ऐसे जाती है, जो कि मैंने उस वीडियो में ही बताया था, वो उस टाइम फिक्स हुई थी बट वो वापस आ गई है, तो वो भी इशू मैंने बता रखा। तो उन्होंने कहा कि बस एक दिन का आप टाइम लेके आना, हम इसको प्रॉपर रिजोल्व करेंगे। ये चीज मैंने आपको इसलिए बता दी कि जैसे मान लो आप टेस्ट ड्राइव वगैरह लेने जा रहे हो तो उस केस में आप भी इन चीजों का ध्यान रखो कि आपको इश्यू फेस हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप टेस्ट ड्राइव के टाइम ध्यान रखो कि ये इशू है या नहीं। यही कुछ था इस वीडियो के लिए, उम्मीद करता हूं वीडियो को पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाएगा जिससे आपके लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले। बाकी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स आपके लिए ही आपके लिए खुला है, आप डालो, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।